नमस्कार, मैं इंदु कुमारी बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का। आप हैं इस वक्त हमारे साथ जीटीएनए झारखंड में। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। घाटसिला एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मोहंडा श्री राधा कृष्ण मंदिर में भजन कीर्तन समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित की गई। देर रात विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने दिन भर उपवास रखकर रात्रि 12 बजे नंदलाल को झूला झुलाने के बाद अपना उपवास तोड़ा। इस मौके पर मंदिर प्रांगण को काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया था। पर्व को लेकर कृष्ण भक्तों में काफी उत्साह देखी गई। कार्यक्रम से पूर्व अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। मोहंडा से रिपोर्ट सिद्धार्थ रंजी। घाटसिला अनुमंडल में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न संचार क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। सभी कांग्रेस जनों ने सर्वप्रथम उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सूचना क्रांति के जनक भारत के शिल्पी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के कार्यकाल को देश भूल नहीं सकता। आज भारत तेजी से सूचना एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ही देन है। पंचायती राज गठन की बात हो, मतदान करने की उम्र सीमा 18 वर्ष की सौगात, देश के युवाओं को देना यह सब उत्कृष्ट कार्य देश नहीं भुला सकता। ऐसे ऊर्जावान प्रधानमंत्री कार्यों का देशवासी सदैव ऋणी रहेगा। मौके पर कांटू चक्रवर्ती, गोपाल शर्मा, प्रकाश राय, पुष्कर प्रसाद, कन्हैया शर्मा, बादल चंद्र गिरी, शेख आजाद, मंजूर हुसैन, प्रमोद कुमार सिंह, मोहित खान, शंभू शरण, मुख्तार अहमद, एमडी जमील मुश्ताक अहमद समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। घाटसिला रिपोर्ट सिद्धार्थ अमर। बलिदान जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, कांग्रेस सारी जिंदाबाद। इन दिनों लगातार बारिश होने के कारण मोहंडा और घाटसिला स्वर्णरेखा नदी खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। शनिवार की देर शाम स्थानीय प्रशासन द्वारा माइकिंग के जरिए लोगों को आगाह कराया गया। नदी के तटीय क्षेत्रों में चेतावनी हेतु माइकिंग के द्वारा घाटसिला अंचल अधिकारी राजीव कुमार, बीडीओ कुमार एस अभिनव, घाटसिला थाना प्रभारी शंभू प्रसाद गुप्ता ने क्षेत्र का निरीक्षण कर तटीय इलाके से लोगों को बचने का निर्देश दिया है। घाटसिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ। बढ़ोतरी होने के कारण नदी तट पर जाना बेहद खतरनाक है। अतः प्रशासन की ओर से चेतावनी दी जाती है कि कोई भी नदी के किनारे में न जाए एवं नदी में कोई भी गतिविधि न करें, इससे जान माल को क्षति पहुंच सकती है। आम जनों को चेतावनी दी जाती है कि नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के कारण नदी तट पर जाना बेहद खतरनाक है। अतः प्रशासन की ओर से चेतावनी दी जाती है कि कोई भी नदी के किनारे में न जाए। आइए मैं आपको नजारा दिखाना चाहती हूँ मोहंडा स्वर्णरेखा नदी एवं इसके पुलिया की स्थिति। आप देख सकते हैं कि लगातार 2-3 दिन की बारिश से स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है और यह स्थिति काफी भयावह होने की आशंका जताई जा रही है। लगातार प्रशासन के द्वारा एहतियात बरतने के लिए बोली जा रही है नागरिकों को और उन्हें बोला जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर अपनी तरफ से पूरी तरह सावधानी बरतें। सहयोगी सिद्धार्थ आनंद के साथ इंदु कुमारी की रिपोर्ट। जमशेदपुर के एमएस फिजिकल डिफेंस एकेडमी में निशुल्क एकेडमी की शुरुआत की गई। इस एकेडमी में विभिन्न भारतीय सशस्त्र बलों जैसे भारतीय नौसेना, वायुसेना, बीएसएफ आदि के लिए शारीरिक प्रशिक्षण के लिए निशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। इस एकेडमी की शुरुआत फौजी मनोज कुमार सिंह के द्वारा की गई।
इस ट्रेनिंग के द्वारा लोगों को पूरी तरह से प्रशिक्षण देकर लोगों को लायक बनाए जा रहे हैं। बाकी सेनाएं भर्ती के दौरान किसी को भी कोई परेशानी ना हो। जमशेदपुर से लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट।